नमस्कार दोस्तों, बहुत ज़्यादा आप सबकी डिमांड थी बब्बू भाई ताले वालों की तरफ से कि हमें रामपुरी चाकू किस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल देखने के लिए मिलने वाली है, बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। बब्बू भाई बताइए पहले कि बहुत दिनों के बाद दोबारा मिलना हुआ है हमारा। शुक्रिया सर, मेरा नाम शाहजा। अच्छा, आप रामपुरी चाकू की कुछ डिटेल दीजिए हमें कि कौन कौन से रामपुरी चाकू आप किस किस तरीके के मैन्युफैक्चर करते हैं। और यहाँ तक सारे ही रामपुरी लगे हुए, सब रामपुरी जितने भी हैं, ये बटन वाले होते हैं, ये सारे बटन के हैं, ये पेन नाइफ है, ये फिर ये सारे बटन वाले हैं, इसमें एक ये गरारी का है, एक ये गरारी का है, ये मैनुअल है, ये ऐसे ही हाथ से खुलेगा और हाथ से ही बंद हो जाएगा, ठीक है। ये गरारी वाले हुए, इनमें गरारी वालों में जो होती है ये, आप इसका लीवर जो है ये, इसका लीवर ऊपर उठा के बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, ये जब खोलेंगे तो इसमें आवाज देके कूदता है, ये होता है, ये गरारी का, एक गरारी का ये होता है, ये पूरा स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है, इसका ब्लेड स्टेनलेस स्टील है, बाकी जो इसमें बटन है वो ग्लास का लगा है, यहाँ वुड लगा है, ये बटन ऊपर उठाया बंद हो गया, ये जब खोलेंगे तो हाथ से ही आवाज आएगी इसके अंदर। ये जो पहले मूवीज में दिखाते थे ना, ये विलेन जो खोलता था वो है। और बाकी आपके ये बटन का है, ये आपके तेजाब मूवी वाला है, तो ऐसे एक बार खोल के दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो देखिए ये खुला हुआ है, अभी तो ऐसे बंद हो जाएगा, ये ऐसे हाथ से बंद होता है, हाथ से ही खुलता है। और इसको पीछे लॉक करने के लिए इसका लॉक अंदर कर देते हैं, जिससे ये अब बंद नहीं होगा, यहाँ लॉक हो गया है, इसको बंद करने के लिए ये खोलेंगे आप तो आप इसको बंद कर सकते हैं, ये बंद होगा। और जैसे ये आपकी कुल्हाड़ी आ गई, ये नई चीज़ बनाई है, ये बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, जैसे लोग बहुत से लोग हाइकिंग के लिए ले जाते हैं वो भी बहुत बढ़िया है। बाकी एक ये एक कुल्हाड़ी ये बनाई है, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी स्टील में है, ये भी ब्लेड स्टील का है, बाकी वुड लगाइए, ये वुड का है, ये पूरी स्टील की। और ये छड़ी किस काम आती है? ये वही सेल्फ डिफेंस के लिए लोग रखते हैं, गाड़ी में रख लेंगे, स्कूटी में रख लेंगे, इसको बंद करने के लिए देखिए ऐसे बंद हो जाती है, या जमीन पे मारेंगे तो ऐसे बंद हो जाएगी। अभी आप इसको कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं, खोलने के लिए, और जरूरत पड़ने पे आप निकालिए और ऐसे करके दिखाइए, ये निकल गया, अभी हाथ से बंद नहीं हुई, ये जमीन से ही बंद हो गया, ये हो गई। और ये बाकी गुप्ती आ गई, आप स्टिक नाइफ हो गई, ये सब स्टिक नाइफ, ये सुबह सुबह घूमने निकल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आप जा रहे हैं तो आप ये हाथ में ऐसे लेके जाइए, और सेल्फ डिफेंस के लिए भी है, बाकी आप मॉर्निंग वॉक ले जाएंगे। हाँ बटन वाले आप देखिए, ये मछली के शेप में सबसे अच्छे चाकू यही होते हैं, इन पे देखिए सब पे यहाँ रामपुर लिखा होता है, एक इसके यहाँ लिखा हुआ है, इसके यहाँ लिखा है, इस पे भी यहाँ लिखा है, इस पे यहाँ लिखा है, एक ये वुड होता है, ये वुड वाला है, ये मछली का पुराना ट्रेडिशनल चाकू, ये भी अच्छा चाकू है। बाकी सबसे ज़्यादा लेटेस्ट में है वो आपके ये है, मतलब लेटेस्ट का मतलब ये कि जो इनके ब्लेड है वो स्टेनलेस स्टील के लगाए आप, इस वजह से कि इन पर रफ ना आए, हमेशा ऐसी दिखती थी पहले, पहले तो ज्यादातर यही चाकू बिकते थे, ये बिकते थे, इनके अंदर जो ब्लेड होता है वो लोहे का, आयरन का होता है, तो आयरन का ब्लेड क्या होता है कि जब तक आप इसको केयर नहीं करेंगे तब ये रस्ट आ जाएगा इस पर, आप इसकी कोई केयर नहीं, इन चाकुओं की कोई केयर नहीं है, आप इनको पानी में डाल दीजिए, कुछ कर दीजिए, इन पर ये कभी काला नहीं पड़ेगा, रस्ट नहीं आएगा, जैसा है ये वैसी यूज़फुल रहेगा। और जैसे कि हमारे कस्टमर कुछ आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करना चाहे, इनके बारे में पूछना चाहे, तो आपको बब्बू भाई का, बब्बू भाई ताले वालों की पूरी डिटेल आपको इस कार्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, बाकी हमने आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो आप सबकी जो डिमांड थी कि सर आप रामपुरी चाकू की वीडियो लेके नहीं आ रहे, हमें डिटेल चाहिए, तो आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर मिल गई है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।